हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट विंग्स, कि जो इंसेक्ट है उनके विंग्स के क्या मार्जिन्स क्या होती है, उनके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसकी वेंस सिराएं सिराओं का विन्यास किस तरीके से होता है, उनके मॉडिफिकेशन एडोप्टेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे, देन उनके कुछ कपलिंग एपरेटस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है कि थोरेक्स से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। थोरेक्स में क्या होता है, उसकी इंसेक्ट की क्या होती है, हार्ड लेयर होती है, काइटिनस होता है, वो स्क्लेराइड्स होता है, बहुत ही हार्ड होती है, उससे इंसेक्ट क्या होता है, उस इंसेक्ट के विंग्स उससे जुड़े हुए रहते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और एक लंबी फ्लाइट कर सकते हैं। जैसे आपने लोकस्ट में देखा होगा, लोकस्ट दक्षिण अफ्रीका से 5,000 किलोमीटर तक ट्रेवल करके मतलब फ्लाइट करके आती है, तो उनके जो विंग्स होते हैं जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं वो क्या होता है, पार्ट जो होता है बहुत हार्ड होता है, स्क्लेराइट्स होता है, काइटिनस का बना होता है, जिससे ये क्या होते हैं इजीली टूटते नहीं है पंख इनके और बहुत ही लंबी फ्लाइट करते हैं। तो इंसेक्ट विंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उनके डिस्कशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। ये 2-3 पार्ट्स में लगभग कवर होगा हमारा ये। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे विंग मार्जिन, है ना। विंग्स के जो है ट्रायंगुलर शेप होता है, विंग्स का क्या होता है, ट्रायंगुलर तिकोना शेप होता है, तो उसके मार्जिन्स को क्या कहते हैं, ऊपर वाली मार्जिन्स को क्या कहते हैं, लेटरल मार्जिन्स को क्या कहते हैं, देन जो पोस्टीरियर मार्जिन्स होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देन फिर विंग एंगल। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विंग्स क्या होता है, ट्राइंगुलर होता है, त्रिकोना होता है, सीधी सी बात, जब उसके 3 कोने होते हैं तो क्या बनेंगे, वहाँ पे एंगल बनेंगे, कोण बनेंगे, 3 कोने हैं तो 3 एंगल बनेंगे, उन एंगल्स का क्या क्या नाम है, कौन कौन से एंगल्स वहाँ पे बनते हैं। विंग वेंस जो सिराएं हैं, ठीक है, कुल देखा जाए तो सिराएं 8 होती है जनरली मैं बात करूं, और ये जो क्लासिफिकेशन दिया है वेंस का, ये दिया है किसने, कॉकस्टॉक और निदम ने, उनके अकॉर्डिंग जो है विंग्स की वेंस जो है 8 सिराएं होती है, और 8 सिराओं का क्या रोल है, वो कहाँ कहाँ पर होती है और किस तरीके से उनका विंग का वेनेशन होगा, उनका सिरा विन्यास किस तरीके से होता है, एक जो लॉन्गिट्यूडनल वेन है उन वेन्स को कैसे जुड़ती है, उसके अंदर क्रॉस सेक्शन वेन भी होगी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेन है उनको जोड़ने के लिए जो वेन्स होती है उनको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर। उसके बाद उनके मॉडिफिकेशन एडोप्टेशंस, जैसे इलेट्रा होता है, हेमिलेट्रा होता है, हाल्टर्स होता है, टेग्मिना होता है, मेम्ब्रेनस होती है, फ्रिंग्ड होता है, एंड देन स्केली विंग्स होते हैं, तो इनके मॉडिफिकेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। और इन दी लास्ट ये आता है विंग कपलिंग डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस जनरली क्या होता है, इंसेक्ट जो है दोनों पंखों को एक साथ अप एंड डाउन करते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, मतलब टोटल 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं ऐसा जनरली, क्यों, सबको पता है कि इंसेक्ट के अंदर क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। जनरली इसको हम क्या नंबर में काउंट करते हैं, इंसेक्ट क्या होता है, जस्ट ए नंबर 1, 2, 3, वन मतलब 1 पेयर इसमें क्या होती है, एंटेनी होती है, 2 पेयर इसमें क्या होते हैं, विंग्स, एंड 3 पेयर क्या होते हैं, लेग्स। तो 1, 2, 3 हम बोल सकते हैं इंसेक्ट क्या है, जस्ट ए नंबर 1, 2, 3, 1 पेयर ऑफ विंग्स होती है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसलिए इंसेक्ट जो है एक यूनिक क्लास इंसेक्टा के अंदर जो आते हैं ये क्या होता है, एक यूनिक है, यूनिक आइडेंटिटी है इसकी, क्यों यूनिक आइडेंटिटी है, क्योंकि इसकी वजह से 1 पेयर एंटेनी, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्टा क्लास है वही इंसेक्ट हैं जिनके क्या होते हैं, विंग डेवलप्ड होते हैं, एडल्ट स्टेज में विंग्स जो इनके डेवलप्ड होते हैं, क्लियर है। अब ये जो विंग्स हैं, ये विंग्स विंग्स जो है क्या काम करते हैं, विंग्स सिर्फ फ्लाइट के लिए ही काम नहीं करते, विंग्स जो है प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, कोलिप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनके जो विंग्स बहुत हार्ड होते हैं तो वो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, कुछ इंसेक्ट साउंड प्रोड्यूशन के जो विंग्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूसिंग का भी काम करते हैं, कुछ इंसेक्ट के विंग्स होते हैं जो सेक्सुअल जो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम होते हैं, और इनका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट स्पॉट्स पाया जाता है, जैसे डेम्सन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट स्पॉट्स पाया जाता है, उस स्पॉट्स को हम क्या बोलते हैं, टेरिटिग्मा बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे हम इंसेक्ट जो विंग्स होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम में आता है। तो इनके कुछ कपलिंग डिवाइस होते हैं कि दोनों पंखों को एक ही साथ अप एंड डाउन करता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक ड्रॉबैक, एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ड्रैगन फ्लाई और डेम्सन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और डेम्सन फ्लाई, ये जो है इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई डेम्सन फ्लाई, ये अपने चारों पंखों मतलब दोनों पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं उनको एक साथ अप एंड डाउन नहीं करते हैं, आगे वाले पंख अगर ऊपर गए तो पीछे वाले पंख नीचे आएंगे, आगे वाले पंख नीचे आए तो पीछे वाले पंख क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो डेम्सन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई हैं इनके जो विंग्स होते हैं वो एक साथ मतलब एक साथ जो है फ्लाइट मतलब क्यों फ्लाइट में
वर्क नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्ट है सारे जो है एक साथ उनके पंख ऊपर जाएंगे, एक साथ उनके पंख नीचे आएंगे। क्लियर है? याद रखना। एक्सेप्शन क्या है, डेमसन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई जो है अपने पंखों को एक साथ उड़ने में यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है। तो उनके कपलिंग डिवाइसेज की विंग्स को एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे अगर जा रहे हैं तो उनके कुछ डिवाइसेज होंगे जो उन पंख्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उन डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो पंखों को आपस में जोड़ के रखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वन बाय वन सारी स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विंग मार्जिन की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे विंग मार्जिन की। क्लियर है? तो इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट के जो पंख होते हैं वो ट्रैंगुलर होता है। आप देखो किस तरीके से ट्रैंगुलर, इस तरीके से ट्रैंगुलर होता है। ठीक है, तीन कोने सो होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इंसेक्ट का जो विंग का जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, याद रखना, इंसेक्ट का जो विंग का शेप होता है वो कैसा होता है, तिकोना होता है, ट्रायंगुलर होता है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगुलर है, मतलब यहाँ पे तीन एरियाज होंगे, एक एरिया ये, एक एरिया और एक एरिया ये, तीन एरियाज होंगे। तो इन तीन एरियाज को क्या कहा जाता है विंग्स में, जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये जो सबसे वाला ऊपर वाला एरिया है इसको कहा जाता है कोस्टल मार्जिन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कोस्टल मार्जिन। अब ये कोस्टल मार्जिन जो है इसको मजबूती, मतलब मजबूती कैसे मिलती है, यहाँ पे एक कोस्टल सिरा होती है, कोस्टा सिरा होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक कोस्टा वेन होती है, ये कोस्टा वेन जो है इसको मजबूती प्रदान करती है। ये जो कोस्टल मार्जिन होता है इसको एंटीरियर मार्जिन भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, एंटीरियर मार्जिन भी बोलते हैं। और इस एंटीरियर मार्जिन को मजबूती किससे मिलती है, कोस्टा वेन की वजह से मिलती है। क्लियर है? देन हम बात करते हैं, सेकेंड होता है एपिकल मार्जिन। ठीक है, कोस्टल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में, याद रखना, कोस्टल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच का जो एरिया होता है उसको एपिकल मार्जिन बोलते हैं, या इसको हम लेटरल मार्जिन भी बोलते हैं या आउटर मार्जिन भी बोलते हैं, याद रखना। कुछ भी एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है। समझ में आ रहा है कि ये जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट को कोस्टल मार्जिन कहते हैं, और कोस्टल मार्जिन को मजबूती किससे मिलती है, तो कोस्टा वेन की वजह से मिलती है। क्लियर है? अब कोस्टल मार्जिन और नीचे होता है पोस्टीरियर मार्जिन, जिसको हम एनल मार्जिन बोलते हैं। तो कोस्टल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में जो मार्जिन या जो एरिया होता है उसको बोला जाता है एपिकल मार्जिन या लेटरल मार्जिन या आउटर मार्जिन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पोस्टीरियर मार्जिन है। ठीक है, इस नीचे साइड जो दिख रहा है आपको, यहां से हम बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा ये है एक्सिलरी एरिया, एक्सिलरी एरिया और एपिकल मार्जिन के बीच में जो मार्जिन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनल मार्जिन या पोस्टीरियर मार्जिन। याद रखना, एनल मार्जिन को पोस्टीरियर मार्जिन, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एनल मार्जिन। ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, एपिकल मार्जिन। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कोस्टल मार्जिन। ठीक है, तो याद रखना, इंटीरियर मार्जिन को कोस्टल मार्जिन कहते हैं, और इसको मजबूती किससे मिलती है, कोस्टा वेन से। कोस्टल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में जो एरिया होता है उसको एपिकल मार्जिन कहते हैं, और जो पोस्टीरियर एरिया होता है, पोस्टीरियर एरिया को क्या बोला जाता है, एनल मार्जिन बोला जाता है। तो तीन मार्जिन्स होते हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट हो गया हमारा कोस्टल मार्जिन, सेकेंड होता है एपिकल मार्जिन, और तीसरा होता है एनल मार्जिन। तीन मार्जिन्स होती है, कहाँ कहाँ होती है मैं डिस्कस कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे, ये तो हो गया विंग्स मार्जिन। अब बात आती है यहाँ पे सेकेंड, विंग एंगल। विंग्स के क्या होते हैं, एंगल भी होते हैं। अब मुझे बताओ कि ये हमने बोला कि ये क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, सीधी सी बात है ट्रायंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, मतलब यहाँ पे एंगल भी बनेंगे। तो यहाँ पे तीन एंगल्स बनते हैं, वो एंगल कौन कौन से हैं। एक होता है ह्यूमरल एंगल, ठीक है, एक होता है एपिकल एंगल, और एक होता है एनल एंगल। ये तीन एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। अब ये पहला वाला जो ह्यूमरल एंगल है वो कहाँ बनेगा, जो पहला जो ह्यूमरल एंगल है ये बनता है यहाँ पे जॉइंट में। ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल एंगल, जो कहाँ होता है, बेस को हम बेस एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेस में होता है। और ये जो है कहाँ होता है, इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, थोरेक्स है। ये क्या है, थोरेक्स है। तो थोरेक्स से ये जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ह्यूमरल एंगल, इसको बोला जाता है ह्यूमरल एंगल, जो बिल्कुल बेस में होता है, थोरेक्स से जुड़ा हुआ रहता है। थोरेक्स और कोस्टल मार्जिन वाली जो लाइन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको ह्यूमरल एंगल बोलते हैं, और ये बिल्कुल बेस में होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरा एंगल जो होता है,
दूसरा एंगल जो होता है वो किससे है, कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में, ये जो एंगल है कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एपिकल एंगल। याद रखना इसको क्या बोला जाता है, एपिकल एंगल बोला जाता है। क्लियर है? कहाँ पे कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एपिकल एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल का है एनल एंगल। तो याद रखना ये एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में, एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच में ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एनल एंगल। एक मिनट बेटा बना लो। ठीक है, तो एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एनल एंगल। तो जैसे विंग मार्जिन ट्रायंगुलर शेप होता है विंग का, तो तीन मार्जिन्स होती हैं, जब ट्रायंगुलर शेप है तो तीन इसके क्या होंगे, कोण होंगे। जो बेस है इसको हमने क्या बोला, बेस वाले को हमने क्या बोला, ह्यूमरल एंगल बोला। ठीक है, और कोस्टल मार्जिन और एपिकल के बीच में उसको हमने क्या बोला, एपिकल एंगल बोला। और एपिकल एंगल और एनल मार्जिन के बीच में जो एंगल होता है उसको हमने क्या बोला, एनल एंगल बोला। क्लियर है? ये तीन तरीके के एंगल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, वन बाय वन सब चीज़ समझिए। यहाँ पे ये जो एक बेस लाइन आपको दिख रही हो बिल्कुल मिडिल में, ये लाइन क्या कर रही है, इस पूरे विंग्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सेम सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है। बेटा मैं बना लूँ अभी, फिर आना, है ना, तू खा ले। तो ये जो बेस लाइन है, ये मिडिल लाइन जो आपको दिख रही है, ये दोनों इस विंग्स को दोनों बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, मिडिल फ्लेक्शन लाइन कहते हैं, मिडिल फ्लेक्शन लाइन कहते हैं। क्लियर है? अब मिडिल फ्लेक्शन लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है, यहाँ पे जो वेंस होती है, यहाँ पे जो सिराएं होती है, उसको रेमिजियम कहते हैं। उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, रेमिजियम कहते हैं। इसके ऊपर जो सिराएं होती है उनको रेमिजियम सिराएं कहते हैं। अब जो कोस्टल मार्जिन या जो कोस्टा वेन होती है, कोस्टा वेन या कोस्टा वेन के बाद जो हमारी वेन्स आती है वो होती है सब कोस्टा वेन। सब कोस्टा वेन में यहाँ पे क्या होता है, एक पिगमेंट स्पॉट होता है। क्या होता है, पिगमेंट स्पॉट होता है। याद रखना क्या होता है, पिगमेंट स्पॉट होता है। ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है ये पिगमेंट स्पॉट होता है, और इसको क्या कहा जाता है, टेरिटिग्मा कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, तो ड्रैगन फ्लाई में। याद रखना ड्रैगन फ्लाई में ये स्पॉट पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि कोस्टल मार्जिन में, कोस्टल मार्जिन एरिया में जो कोस्टा और सब कोस्टा वाला एरिया है, वहां पे एक ओपाक्यू स्पॉट या पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, वो किस इंसेक्ट में होता है, तो ड्रैगन फ्लाई डेमसन फ्लाई में होता है। और उस स्पॉट्स को क्या कहते हैं, टेरिटिग्मा कहते हैं। ठीक है, टेरोटिग्मा कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे जो आपको ये वाली लाइंस दिख रही ग्रीन वाली, इसको क्लेवल फरो कहते हैं। उसके बाद वाली जो लाइन होती है उसको एनल फोल्ड कहते हैं, और उसके बाद वाली ये जो लाइन है इसको हम कहाँ कहते हैं, जुगल फोल्ड बोलते हैं। क्लियर है? इस तरीके से वो फोल्ड करके रखती है यहाँ पे विंग्स को। तो ये एक बेसिक क्या हो गया, विंग मार्जिन और विंग एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया, और बेसिक चीजें इसके अंदर थी वो सारी हमने डिस्कस की। तो एक डायग्राम है उसके थ्रू आप और समझ लीजिए। क्लियर है कि यहाँ पे ये क्या था, ये जुगम जिसको हमने बोला था जुगल, जो क्या कर रहा है, थोरेक्स से जॉइंट है, और थोरेक्स और कोस्टल मार्जिन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, ह्यूमरल एंगल कहलाता है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो मार्जिन इसको हमने क्या बोला, कोस्टल मार्जिन बोला। इसके अंदर देखो ये थोड़ा सा क्या, ओपी का स्पॉट्स हैं, पिगमेंट स्पॉट्स, इसको टेरोटिस्मा बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, ड्रैगन फ्लाई में पाया जाता है। ठीक है, टेरोस्टिग्मा बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डेमसल फ्लाई में पाया जाता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो मार्जिन क्या कहलाता है, एपिकल मार्जिन कहलाता है, और ये पोस्टीरियर मार्जिन को क्या बोलते हैं, एनल मार्जिन कहते हैं। अब यहाँ हमने बोला कि जो बेस एंगल होता है उसको ह्यूमरल एंगल बोला है। ठीक है, और कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में जो एंगल है उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है एपिकल एंगल। और एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन के बीच का जो एंगल होता है उसको हमने क्या बोला, एनल एंगल। क्लियर है? ये तीन एंगल भी हमने अभी डिस्कस किए। ठीक, उसके बारे में हमने बताया, वेनल फोल्ड होता है, वेनम लोब होता है, और एनल वेंस होती है। ठीक है, अब आगे और डिस्कस करेंगे। ये डिस्कल सेल और ये क्या होता है, बेसल सेल। यहाँ पे क्लोज क्लोज्ड सेल भी होती है और ओपन सेल भी होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लोज्ड सेल और ओपन सेल किसको बोलते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो अभी हमने समझा वही इस डायग्राम के अंदर है। अब इस वेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, कि ये जो वेंस है ये कैसे बनती है, किस वेंस को क्या बोला जाता है, कैसे ये सब ब्रांच में डिवाइड होती है, सारा हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर? थैंक यू।